जम्मू कश्मीर के उधमपुर इलाके में ड्यूटी पर तैनात एक सेना के जवान की बीमारी से मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही गांव और परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों से मिल रही जानकारी के मुताबिक मृतक जवान का शरीर बुधवार को उनके पैतृक गांव पहुंच सकता है, जहां गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। जवान की 6 महीने पहले शादी हुई थी, वहीं पत्नी का रो रोकर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार महेवा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम मुसमरिया निवासी सौरभ 24 वर्ष पुत्र स्वर्गीय मनोज साल 2019 में आर्मी में भर्ती हुए थे। वर्तमान में उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर के उधमपुर इलाके में थी। ड्यूटी के दौरान 10 दिन पहले अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई, जिनको जम्मू कश्मीर के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान वीर जवान ने अंतिम सांस ली। जवान की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बता दें कि फौजी जवान के पिता की मौत 1 साल पहले हुई थी। मृतक जवान की शादी अभी मात्र 6 महीने पहले हुई थी। जवान के यूं चले जाने से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि वीर जवान की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। कि खुशनसीब होते हैं वो लोग जो वतन पे मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ तुम्हें सलाम ए वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में बसता तिरंगे का मान है। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।